दुनिया भर में अपने दमदार अभिनय से देश का नाम रोशन करने वाले सदी के महानायक अमिताभ बच्चन आज यानी 11 अक्टूबर को 72 साल के हो गए हैं। आपको बता दें, अमिताभ का जन्म सन 1942 में यूपी के इलाहाबाद में हुआ था। सात हिंदुस्तानी से अपने फिल्मी करियर का आगाज करने वाले अमिताभ आज भी अपने चाहने वालों के दिलों पर राज कर रहे हैं। फिल्मी करियर की शुरुआत में नाकामयाबी झेलने वाले अमिताभ को जंजीर के बाद दर्शकों और फिल्मी दुनिया का बेशुमार प्यार मिला। इतना ही नहीं, उन्हें लोगों ने खूब सराहा भी। फिल्म शराबी में उनका अभिनय इतना दमदार था कि आज भी लोग शराबी में उनके किरदार की मिसाल पेश करते हैं। दीवार, डॉन, लावारिस, शोले जैसी बेहद कामयाब फिल्मों में उनकी छवि एंग्री यंग मैन के रूप में उभर कर सामने आई। इसके साथ ही बच्चन ने अपने कैरियर में कई पुरस्कार जीते हैं, जिनमें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 12 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल है। इसके साथ ही उनके नाम सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म फेयर अवार्ड का रिकॉर्ड भी है। 90 के दशक तक आते आते भले ही इस चहेते स्टार की लोकप्रियता में कुछ कमी आई हो, मगर टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति ने उन्हें एक बार फिर से हर भारतीय के दिल की धड़कन बना दिया। इस शो के बारे में यहाँ तक कहा जाता है, जिस वक्त ये टीवी पे शुरू होता है तो शहर की गलियां सूनी हो जाती है और हर किसी की जुबान पर बिग बी का ही नाम गूंजने लगता है। बहरहाल, अमिताभ के बारे में कुछ कहना सूरज को दिए दिखाने के भांति है। उनके नाम को विदेशों में भी बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। उनके बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अमिताभ अभिनय की दुनिया का वो कोहिनूर है जिस पर हर भारतीय को गर्व है। अमिताभ को उनके जन्मदिन के मौके पर नेक्स्ट नाइन न्यूज परिवार बहुत बहुत बधाई देता है। नेक्स्ट नाइन न्यूज के लिए एडविन अमन की स्पेशल रिपोर्ट।